हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि हम जो यूनिट नंबर 3 मेटल्स एंड अलॉय मेटल कर रहे थे उसमें लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा। तो हमने लास्ट लेक्चर तक यानी लेक्चर नंबर 7 तक के हमने क्या कर लिया था, हमने कंप्लीट कर लिया था मेटल वाला सेक्शन। ठीक है, मेटल्स के बारे में जितना कुछ था हमने कर लिया था। लास्ट टॉपिक यही था, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ सम मेटल्स, जो कि आपका दिया हुआ था कुछ मेटल्स जिसका हमने कर लिया था फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। अब जो है स्टार्ट हो रहा है अलॉय वाला सेक्शन, यानी आधा सेक्शन जो है यूनिट नंबर 3 का हो गया था और आधा आज स्टार्ट होगा, तो जो है अलॉय पे बेस्ड। तो अलॉय क्या होता है, ठीक है, या अलॉयज़ क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अलॉय होता क्या है, मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर होता है मेटल्स का। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर खाली मेटल्स ही हो, है ना, उसके अंदर नॉन मेटल्स भी हो सकता है उसका एक कंपोनेंट अलॉय का, ठीक है। और इसमें जो होता है, आप एक वर्ड याद रख सकते हैं कि जैसे कि अलॉय है, पहले तो आप ये देखिए कि अलॉय कैसे बन रहा है। ये मोल्टन स्टेट में आप मेटल को लेके आते हैं, जिनको भी हमें अलॉय बनाना होता है, जिनका भी, उसका हम मोल्टन स्टेट लेते हैं, ठीक है, मोल्टन स्टेट लेते हैं और उसको जो है हम एक मेटल यानी कि मेटल 1 एंड मेटल 2, ठीक है, मेटल 1 एंड मेटल 2, जैसे कि हमें दोनों को क्या करना है, दोनों का अलॉय बनाना है, दोनों को हमने मोल्टन कर दिया, ठीक। अब उसके बाद जो है देखेंगे हम कि इक्वल प्रोपोर्शन में क्या होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिसॉल्व होकर के ये बना लिया क्या, अलॉय, आपस में डिसॉल्व हो गया पूरे प्रोपोर्शंस के साथ, ठीक है, डिसॉल्व हो गया। मतलब अब जो डिसॉल्व होने के बाद जो बना है वो अलॉय बना है। तो कहने का मीन से आप ये वर्ड याद रखिए कि जो मिसिबल होना चाहिए, मिसिबल समझ रहे हैं, मिसिबल मीन्स आपस में मिक्स, डिसॉल्व हो जाए, मिसिबल हो जाए। तो जनरली जो, अगर मैं अलॉय के बारे में दो पॉइंट बताती हूँ, एक पॉइंट ये कि जो मिसिबल्स होते हैं, अलॉय का जो डेफिनेशन ही बता रहा है एक पॉइंट, तो कि ऐसे मिक्सचर्स, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज़ के जो होते हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं, सेम टाइप के, जैसे कि ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ये भी ऑल प्रोपोर्शन में उसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा, ठीक है ना, तो वो जब मिसिबल होते हैं आपस में, यानी कि डिसॉल्व आपस में हो जाते हैं ऑल प्रोपोर्शंस में, तो अलॉय होता है कोई। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कुछ मेटल्स आपस में मिसिबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट मिसिबल, दे आर इमिसिबल, ठीक है। तो इमिसिबल जो होंगे वो क्या करते हैं, वो अलॉय फॉर्म नहीं करते हैं, वो क्या, अलॉय जो है फॉर्म नहीं करते, नो अलॉय। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स से ही आप बना सकते हैं सबका अलॉय, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि नहीं बनाएंगे अलॉय। एग्जाम्पल हम पहले अलॉय का देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम अलॉय का देख लेते हैं। अलॉय जो है, आप मान लीजिए लेड है, ठीक है, लेड एंड टिन, लेड एंड टिन का एग्जाम्पल हमने लिया कि लेड और टिन आपस में मिसिबल होते हैं, दे आर मिसिबल टू फॉर्म अलॉय, ओके, ये हो गया एग्जाम्पल। आप जो अलॉय नहीं फॉर्म कर रहे हैं, नहीं फॉर्म कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल आपको क्या है, उनका जो एग्जाम्पल है वो है जिंक और लेड, जिंक एंड लेड, ठीक है, जिंक एंड लेड आपस में मिसिबल नहीं होंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे, तो वो जो है फॉर्म नहीं करते हैं कोई अलॉय। ये हो गई बात अलॉय से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम्पल भी हो गया। अब हम अलॉय का डेफिनेशन या पॉइंट उसके बारे में यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ आ गया है कि अलॉय क्या है, ठीक है ना, मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है,
ऑफ मेटल्स दोज आर मिसिबल विद ईच अदर, ठीक है ना। मिसिबल यानी कि डिजॉल्व हो जाना चाहिए इन देयर मोल्टन स्टेट्स आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। ये मेन चीज़ है, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन यानी सॉलिड होने के बाद उन दोनों का या उन तीनों का या उन चारों का जितने भी हमने लिए हैं मिक्सचर बनाए हैं हमने, तो वो जो है वो चीज़ जब सॉलिड हो जाती है तब जाके अलॉय फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं अलॉय सॉलिड होने के बाद, ठीक है। ये बात याद रखना है। तो अलॉय के बारे में लिख लेते हैं, व्हेन वन मेटल, व्हेन वन मेटल इज डिजॉल्व्ड, वन मेटल इज डिजॉल्व्ड विथ अनदर मेटल, ठीक है। वन मेटल इज डिजॉल्व्ड विथ अनदर अनदर मेटल इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर मतलब मिसिबल हो जाना चाहिए, ठीक है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन दे आर कॉल्ड, और या आप ये कह सकते हैं दे फॉर्म अलॉयज, ठीक है। ये अलॉय फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, अलॉय फॉर्म करते हैं जब वन मेटल डिजॉल्व होता है अदर मेटल के साथ और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन के आता है, और जब उसको सॉलिड बन जाता है तो हमारा वो कहलाता है अलॉय। बात समझ में आई, गुड। दे फॉर्म अलॉय ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किसका, लेड एंड टिन फॉर्म अलॉय, क्यों, दे आर मिसिबल, ठीक है। वो क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका अलॉय, ठीक है ना। और ये इसका एग्जाम्पल हो गया लेड, यानी लेड एंड टिन, ठीक है, दोनों जो है आपस में डिजॉल्व हो जाते हैं और ये मिसिबल है। अब देखिए, अब और क्या इसको आप और कुछ पॉइंट अगर इससे रिलेटेड जैसे हमें लिखना है तो आप अपने आप से ये बात लिख सकते हैं कि कुछ जो एलिमेंट्स यानी कि कुछ जो मेटल्स हैं वो आपस में डिजॉल्व नहीं होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं करते हैं, जिनके वजह से जो है अलॉय फॉर्म नहीं होता है। उसका एग्जांपल भी मैंने बता दिया था, जिंक और लेड, ठीक है, जिंक और लेड आपस में नहीं मिलते हैं, उनका कोई अलॉय फॉर्म नहीं होता है। अब हाँ, और बात जो है, और अगर आप कहें जैसे कि अलॉय है, अब अलॉय के अंदर है ना कुछ अलॉयज हैं, अलॉयज कंटेनिंग मर्करी, अलॉयज कंटेनिंग मर्करी एज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट देन दे आर कॉल्ड
amalgams, they are called amalgams. मतलब कोई अलॉय है उसके अंदर अगर एक भी कॉम्पोनेंट, अलॉय जो है बहुत से कॉम्पोनेंट्स हो सकता है, दो से ज़्यादा, तीन चार, कितने भी कॉम्पोनेंट्स उसमें हो सकते हैं, ठीक है. तो उसके अंदर जब एक भी कॉम्पोनेंट अगर आपका मर्क्यूरी है तो वो कहलाएगा एमलगम्स, अलॉय नहीं एमलगम्स कहलाएगा, ठीक है. एग्जाम्पल में सोडियम एमलगम, यानी कि इसमें ये सोडियम का अलॉय है, इसके अंदर मर्क्यूरी भी होगा, तो इसीलिए सोडियम एमलगम हो गया, ठीक है. जिंक है, अब जिंक का कोई अलॉय होगा तो जिंक वाले अलॉय में अब मर्क्यूरी भी होगा, तो उसका नाम हो गया जिंक एमलगम. बात समझ आ रही है, ठीक है, ये हो गई बात. और आपको और एक पॉइंट क्या ऐड करना है कि खाली मेटल ही नहीं, नॉन मेटल्स भी कंपोनेंट हो सकते हैं अलॉय के. बात समझ आ रही है, अलॉय के मेटल्स ही, मेटल्स से ही नहीं, उसमें हो सकता है एक नॉन मेटल भी हो, ठीक है. तो नॉन मेटल भी हो सकते हैं ये मिक्सचर, ठीक है, अलॉय का. ओके, तो ये आप नोट करिए. उसके बाद हम करते हैं कि जो हमारा अलॉय बनाने का पर्पस क्या होता है, आखिर हम क्यों बनाते हैं अलॉय, इसको नोट करिए. अब है पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉयज. पर्पस या पर्पसेस ऑफ मेकिंग अलॉय, ठीक है, अलॉय बनाने का पर्पस क्या है. तो देखिए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या पर्पस है. एक पर्पस हो सकता है हमारा टू हार्डन द मेटल, हार्डन द मेटल्स, मेटल्स को हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, मेटल्स को हार्ड बनाने के लिए. यानी कि आपने देखा है जो हमारा ज्वेलरी बनता है ना, ज्वेलरी बनता है गोल्ड का या सिल्वर का, आप कह सकते हैं सिल्वर गोल्ड किसी का भी, ठीक है. तो उसमें आप अगर प्योर फॉर्म, कहते हैं ना गोल्ड का एग्जांपल मैं लेती हूँ, वहाँ पे होता है कि 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है. तो गोल्ड अगर 24 कैरेट का रहेगा ना, अगर मान लीजिए पूरा गोल्ड ही 24 कैरेट का रहने लगा, तो उसका मतलब है प्योर गोल्ड. प्योर गोल्ड कभी भी इतना मतलब कि हार्ड नहीं हो सकता है, प्योर गोल्ड आपका हार्ड होगा ही नहीं. प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट गोल्ड, यही ना, 24 कैरेट गोल्ड, ये आपका हार्ड होता ही नहीं है, नॉट हार्ड, नॉट हार्ड. इसका मतलब होता क्या है, असल में रियल मीनिंग क्या है, इसके अंदर मिक्स किया जाता है 22 कैरेट इसमें गोल्ड होता है प्लस 2 कैरेट, 2 कैरेट क्या होता है, कोई और मेटल होता है, जैसे कि कॉपर, ठीक है, कॉपर होता है कई बार, कॉपर जो है 2%, यानी कि 2% नहीं, 2 कैरेट जो है कॉपर रहता है. उसका मतलब ये, अगर कोई गोल्डस्मिथ ये कहता है कि आपका जो ये ज्वेलरी है हम जो दे रहे हैं वो 24 कैरेट गोल्ड का है, मैम इससे ज़्यादा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये हमारा कम का है ऐसा, तो उसका मतलब ये है, उसके कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर 22 कैरेट क्या होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड,
और 2 कैरेट जो होता है कॉपर होता है, ठीक है। और कॉपर ऐड किया जाता है टू हार्डन द गोल्ड, ठीक है, इसको हार्ड करने के लिए, ठीक है। और 24 कैरेट अगर कोई गोल्ड कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गोल्ड है वो, अगर वो कह रहा है कि नहीं पूरा का पूरा गोल्ड ही है ये, इसके अंदर कुछ मिलावट ही नहीं है, तो वो गलत है। उसमें मिलावट है तभी वो हार्ड बन रहा है, हार्ड बन रहा है तो हमारा वो किसी शेप में आ रहा है, ठीक है। अगर वो वैसे रहेगा तो वो बहुत लचीला रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, एकदम ऐसे कैसे भी मुड़ जाएगा आराम से, ठीक है। तो रहता है, मुड़ता ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना मैं हार्ड की बात नहीं कर रही हूँ, हार्ड रहता है इतना कि जिससे ज्वेलरी अलग अलग शेप्स की बन जाती है, हर डिज़ाइन की बनती है। तो लेकिन प्योर गोल्ड जो अगर रहता है वो 24 कैरेट गोल्ड कोई कहता है, तो प्योर गोल्ड अगर खाली गोल्ड ले लेंगे ना 24 कैरेट का, तो वो हार्ड नहीं होगा। तो जिसकी वजह से 2 कैरेट कॉपर मिलाया जाता है उसके अंदर, तो क्या किया जाता है, उसको हार्ड बनाया जाता है। या फिर सिल्वर, सिल्वर भी, सिल्वर में भी कॉपर का एडिशन होता है। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। गोल्ड एंड सिल्वर आर हार्डेंड, यानी हार्ड किया जाता है उनको, बाय एडिशन ऑफ कॉपर, ठीक है, कॉपर का एडिशन होता है तब, ये हो गया। सेकेंड है टू मेल्टिंग पॉइंट को क्या करने के लिए, कम करने के लिए, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। आप इस पॉइंट को और कुछ और भी लिख सकते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट को आप ये भी कह सकते हैं, टू मेक द मेटल्स, टू मेक मेटल फ्यूजिबल, टू मेक मेटल फ्यूजिबल, फ्यूजिबल मीन्स मोल्टन, है ना। तो मोल्टन बनाने के लिए मेल्टिंग पॉइंट कम करना होगा, कम करने के लिए क्या होता है, किया जाता है, एलॉय बनाया जाता है। एक तो हमारा हो गया कि हार्ड करने के लिए एलॉय बना रहे हैं हम, तो वो जो एडिशन हुआ गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो वो एक एलॉय बन गया, ठीक है, अलॉय हो गया। यहाँ भी लोअर अप कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट को, या तो आप कम करना कहिए इस पॉइंट को, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि मेटल को फ्यूजिबल बनाने के लिए, फ्यूजिबल मीन्स मोल्टन होता है, ठीक है। इसका भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, वुड्स मेटल एक होता है, वुड्स मेटल भी हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है। वुड्स मेटल जो है दिया हुआ है एलॉयज में, उसके बारे में पढ़ना है, मतलब देखिए हर तरह का एलॉय दिया हुआ है, उसमें आपको कंपोजिशन पढ़ना है, कितना परसेंट ये मेटल है, कितना परसेंट दूसरा एलिमेंट है, कितना परसेंट दूसरा है, प्रॉपर्टीज़ क्या है और एप्लीकेशन क्या है, ये लास्ट आपका यही सब टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वुड्स मेटल है, वो भी एक एलॉय है, है ना। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वुड्स मेटल, वुड्स मेटल, ठीक है। वुड्स मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है, ठीक है। वुड्स मेटल उसका मेल्टिंग पॉइंट आपको 61 डिग्री सेल्सियस, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 61 डिग्री अप्रॉक्स जो है, इतना है, बहुत कम है। बट इसका जो अगर कंपोनेंट अलग अलग देखें आप, है ना, अलग इसके कुछ कंपोनेंट्स से बना हुआ है ये, मैं बताऊंगी जब वुड्स मेटल आएगा तो किन किन कंपोनेंट्स से बना हुआ है ये, तो ये एक एलॉय ही है, ये क्या है, एलॉय है, सब एलॉय ही है, है ना। तो ये एक वुड्स मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका अलग अलग कॉम्पोनेंट देखें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, वाइल मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कंपोनेंट मेटल आर हाई देन इट, यहाँ पे आप लिखिएगा बट मेल्टिंग पॉइंट, मैंने एम पी ऐसे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट को, ऑफ कंपोनेंट मेटल कह सकते हैं, किन कंपोनेंट से मिलके बना है, कंपोनेंट मेटल्स आर हायर
देन इट, इससे ज़्यादा हाई है बाकी कंपोनेंट्स का अगर देखें तो वो क्या है, हाई है इससे। बात समझ आ गई कि जब ऐसा कुछ होता है कि दोनों को जब मिला देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हम कम कर सकते हैं एलॉय बनाते हैं तो, ठीक है। थर्ड है आपका टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अलॉय भी बना, अलॉय बनाते हैं। इसका एग्जांपल है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड, स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो लिखते हैं एग्जांपल, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इसको बढ़ाया जाता है व्हेन अबाउट 0.15 डिग्री ऑफ वैनेडियम एंड 1.1% क्रोमियम। क्या क्या डाल के, व्हेन अबाउट 0.15% वैनेडियम ऐड होता है, वैनेडियम एंड 1% जो है क्रोमियम ऐड होता है, क्रोमियम एडेड टू इट, ठीक है, किसमें, इट यानी स्टील में। बात समझ आ गई, ये हो गया एग्जांपल टेंसाइल स्ट्रेंथ का। फोर्थ है टू मेक द मेटल मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये तो सबसे ही बड़ा एप्लीक, इसका जो पर्पस सबसे ही बड़ा अगर आप माने, सबसे ही अच्छा पर्पस, सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकती हूँ मैं, ठीक है, टू मेक द मेटल कोरोजन रेजिस्टेंट, या आप ये भी लिख सकते हैं कि टू मेक द मेटल रेजिस्टेंट टू कोरोजन। बात समझ आ रही है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी आपको समझ में आ रहा है कि कोरोजन से बचाने वाला, ऐसा मेटल बनाए कि कोरोजन से बचा सके, ठीक है, कोरोजन से प्रिवेंट कर सके। तो इसका एग्जांपल स्टेनलेस स्टील, आपने सुना भी होगा स्टेनलेस स्टील, काफ़ी कॉस्टली भी होता है बाकी नॉर्मल स्टील से, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इस तरह का बर्तन, इस तरह का वो यूटेंसिल्स, मतलब कि और भी चीज़ें जो भी रहती हैं उससे बनी हुई स्टेनलेस स्टील से, वो उसमें क्या है कि जल्दी कोरोजन नहीं लगता उसके अंदर, वो कोरोड नहीं करता, कोरोजन उसमें नहीं लगता। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो भी एक अलॉय है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन एंड क्रोमियम का, आयरन एंड क्रोमियम एलॉय कह सकते हैं आप इसको, आयरन एंड क्रोमियम एलॉय, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, स्टेनलेस स्टील। ये एग्जांपल है सिंपल सा कि हाँ भाई स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, क्यों, देखिए आयरन है, आयरन में जल्दी कोरोजन होता है, तो कोरोजन इसके अंदर क्रोमियम ऐड किया जाता है तो बनता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। स्टील आप जानते हैं कि आयरन का क्या होता है, आयरन का ही फॉर्म होता है, उसमें कार्बन कंटेंट रहता है थोड़ा, ठीक है, लेकिन होता आयरन का ही है, तो इसीलिए वो कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन है, स्टील बताया गया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, स्टेनलेस स्टील हो गया, इसका एग्जांपल हो गया टू मेक द मेटल कोरोजन रेजिस्टेंट। आप एक और ब्रास भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रास जो है एक और एलॉय लिख सकते हैं, ये भी एक एलॉय है, ठीक है, ब्रास, ये सब क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंट है एलॉय जो भी। अच्छा अब नेक्स्ट आता है टू गेट
गुड कास्टिंग। देखिए कास्टिंग के बारे में बताती हूँ, कास्टिंग क्या है। कास्टिंग जो होती है ना, वही जिस तरह से हम किसी शेप में लेके आ रहे हैं कोई चीज़, कोई बहुत तरह के आर्टिकल्स होते हैं और सबका अपना अपना एक शेप होता है ना, हर शेप का होता है और हर तरह के मेटल का बनता है अलग अलग शेप में। तो वो जो बनता है वो किसी मोल्ड में डाल करके बनता है, जिस भी शेप का हमें बनाना है उस तरह का मोल्ड रहता है, मोल्ड समझ रहे हैं, जिसके अंदर हम डालेंगे वो शेप लेके आता है। तो वो उसके अंदर हम डालते हैं, आपको जैसे कि इलेक्ट्रोटाइपिंग में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई एक मोल्ड रहता है जिस शेप का बनाना है, उसके अंदर हम डालते हैं क्या, मेटल्स को, एलॉयज को, कोई चीज़ को, ठीक है ना, उसमें डालते हैं और उस शेप का चीज़ वो लेके आते हैं, सॉलिड होने के बाद उसमें निकलता है तो वो शेप का बनता है। तो वही होती है वो जो प्रोसेस होता है ना, एक ऑब्जेक्ट बनाना मोल्ड के अंदर डाल के, उस मोल्टेन फॉर्म में मेटल को या एलॉय को उसमें डाल के, और जब वो सूख जाए सोक करने के बाद, वो जो प्रोसेस है सोक करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है वो प्रोसेस जो है वो कास्टिंग कहलाता है। बात समझ आ गई है? तो ये कास्टिंग, अच्छी कास्टिंग के लिए। अब अच्छी कास्टिंग मतलब क्या, कास्टिंग अच्छे से होना चाहिए, शेप जो चाहिए भाई हर तरह से हमें जो है वो शेप आना चाहिए, है ना। आप भी किसी चीज़ के अगर कास्टिंग करते होंगे, कहने का मीन से आपने कभी कुछ बनाया होगा, वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, या आपने सीमेंट ही देखा, वाइट सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस से कई चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। अगर आप आर्ट वगैरह में थोड़ा भी इंटरेस्ट आपने लिया होगा तो उसमें क्या है, हर तरह की चीज़ बनती है। या फिर अब मैं चिकनी मिट्टी की बात नहीं कर रही हूँ, क्ले वगैरह की बात नहीं कर रही, क्ले से तो हम इसी तरह से अपने शेप दे देते हैं उसमें जो देना होता है, लेकिन जो है मोल्ड की बात कर रही हूँ, जैसे कि वो गमले वगैरह बनते हैं। आपने देखा हर डिज़ाइन का पौधा, जैसे पौधा है ना, पौधा हर गमले में लगा रहता है, तो अलग अलग तरह का, आप अलग अलग घर में गए होंगे, अलग अलग जगह गए होंगे, तो अलग अलग शेप का गमला रहता है। वो गमला भी क्या है, चलिए ठीक है वो भी वही बना दिया, सीमेंट का है उसको बना दिया, लेकिन वो भी किसी मोल्ड में बन रहा है ना, किसी मोल्ड में जा रहा है। तो वो मोल्ड में वैसे में क्या होगा, उसी शेप का गमला रहा होगा, और वो जब निकलता है सूखने के बाद, और सूखने के बाद जो है वो साइड साइड में वही वही डिज़ाइन लेके आता है, अलग अलग डिज़ाइन वाला गमला देखिएगा, ठीक है। तो वो एक मोल्ड है। तो आप देखिए अगर वो निकल के वो सही डिज़ाइन, कहने का मीन से उसका जो किनारा वगैरह है वो सब अगर अच्छे से नहीं रहेगा, ठीक है, अगर वो टूटा फूटा ज़रा सा भी रह गया, या अंदर से ही खोखला, कैसे खोखला, कहने का मतलब कि भाई अच्छे से जब हमने टैप नहीं किया अच्छे से, वो मोल्टेन आयरन हर जगह, मोल्टेन जो भी सीमेंट है वहाँ पे, तो सीमेंट जो है वो मतलब वो हर तरह से पेस्ट उसका गया नहीं, तो वो जो है जब जमने के बाद क्या होगा, अंदर में हवा यानी एयर बबल रह जाएगा, है ना, तो गैप हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। कहने का मीन से कास्टिंग गुड करने के लिए हमें एयर बबल्स अंदर नहीं रहने चाहिए, हमारा जो उसका एज है वो बढ़िया रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए, नीट रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। बात समझ आई? तो कास्टिंग हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। आप कोई भी आर्टिकल वगैरह देखते हैं, प्लास्टिक हो चाहे कोई चीज़ हो, यहाँ मेटल की बात है इसलिए कास्टिंग। तो देखिए ये कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, यही कोई शेप का है भाई, कोई टॉय भी आप देख रहे हैं या कोई भी सामान देख रहे हैं घर के अंदर, हर तरह के शेप में है, अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो वो जो अलग अलग मटेरियल है वो आप देख रहे हैं ना कि कैसे बना हुआ, पेन ही देख लीजिए, ठीक है, सिलिंड्रिकल है, या मार्कर देख लीजिए, पेन देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग मोल्ड है, अगर इसका किनारा वगैरह टूटा फूटा रहा तो वो डिफेक्टिव में चला जाता है, तो डिफेक्टिव हो जाता है, आप देखते भी होंगे डिफेक्ट आ गया उसमें, तो वो सही नहीं बना। तो वो चीज़ सही बनना चाहिए, गुड कास्टिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अगर हम एलॉय बनाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्हांस होती है, इंक्रीज करती है एलॉय बनाने से। तो उसमें क्या है कि हम अच्छी कास्टिंग भी कर सकते हैं, अच्छी कास्टिंग के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो एलॉय जो है वो पूरा कर देता है, इसलिए अच्छी कास्टिंग में काम आता है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल दूंगी टाइप मेटल का, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, एक एलॉय होता है जिसका नाम है टाइप मेटल, ठीक है, टाइप मेटल। टाइप मेटल जो है वो क्या है, लेड का है, लेड का एलॉय है, ठीक है, किसका एलॉय है, एलॉय ऑफ लेड है, जिसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जिसके अंदर और क्या क्या है, जिसके अंदर है एंटीमनी है 20%, ठीक है ना, इसके अंदर 20% एंटीमनी,
एंटीमनी, ठीक है, ये भी एडेड होता है और तब ये टाइप मेटल बनता है। तो ये जो टाइप मेटल होता है ना वो कास्टिंग के लिए बड़ा अच्छा रहता है, इसलिए इसकी कास्टिंग होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। और एक और लास्ट हमारा है टू मॉडिफाई द कलर। टू मॉडिफाई क्यों करते हैं हम, टू मॉडिफाई द कलर ऑफ मेटल, ठीक है, या फिर टू मॉडिफाई कलर, ठीक है, कलर को मॉडिफाई करते हैं। तो कलर को मॉडिफाई करने के लिए एग्जांपल है एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है, ये एल्युमिनियम का एलॉय है, क्या एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है एल्युमिनियम और टिन दोनों का एलॉय आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, एल्युमिनियम एंड टिन एलॉय, ठीक है, एल्युमिनियम एंड टिन एलॉय, ये जो बनता है ना एल्युमिनियम और टिन मिलता है तो एक बढ़िया सा कलर आता है, ठीक है, कैसा कलर, एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर देता है ये, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, इट हैज ब्यूटीफुल गोल्डन कलर, ठीक है, इसका अच्छा सा कलर आता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, ये है पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉयज, ठीक है, इसको नोट करिए। और जो है पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय हो गया हमारा। अब जो है नेक्स्ट आएगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ अलॉयज, यानी कि अलॉय का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किस तरह से अलॉय को बनाया जाता है ना, बनाया किस तरह जाता है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर्पस तो हो गया है, प्रिपरेशन ऑफ अलॉयज देखेंगे, ओके स्टूडेंट, यानी क्या क्या मेथड्स हैं वो सब देखेंगे, ओके, थैंक यू।